Assalamu alaikum everybody. We are going to discuss about kingdom and media now, and we have discussed all the bases on which the animals are going to be classified in different phylum and different groups, etc. So now officially we are going to start kingdom and media today. Or kingdom and media, what does kingdom mean? Kingdom means sultanate, or we can say Riyasat, right? So we are going to enter in our sultanate, in our kingdom that that's naming as Animalia, right? So kingdom Animalia mein enter ho rahe hain hum, theek hai? To is kingdom mein enter hone se pehle ya enter hone ke baad hame pehle iski thodi si know how honi chahiye, theek hai? To wo hum know how aaj dekh rahe hain ki kya know how hame honi chahiye. तो हुआ ये कि हम किंगडम एनिमेलिया में जब एंटर हुए तो हमें वॉचमैन मिला, गेट कीपर मिला. हमने उससे ये बात डिस्कस की कि हम किंगडम एनिमेलिया में नए आए हैं, ठीक है, और हमें किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स के बारे में या इस किंगडम के रीजन्स या हम कह सकते हैं प्रोविंसेस के बारे में, सिटीज के बारे में नहीं पता, तो थोड़ा सा गाइड कर दीजिए. तो हमें वॉचमैन ने एक बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहाँ पर सब लिखा है, आप देख लें. अब बोर्ड पे ये था, हमने कहा चलो ठीक है आ जाइए पढ़ लेते हैं. हम यहाँ पर आ गए, हमें ये पता चला दैट दिस किंगडम एनिमेलिया इज डिवाइडेड इनटू टू सब किंगडम्स, सब किंगडम प्रोटोजोआ एंड सब किंगडम मेटाजोआ. अच्छा, अब सब किंगडम प्रोटोजोआ में एनिमल्स ही थे बट देवर यूनिसेल्यूलर, और मेटाजोअन्स मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है. तो हमने ये देखा कि मल्टी सेल्यूलर क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इन ऑर्गेनिजम्स को यानी कि इस सब किंगडम को भी अगेन दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है, द पैराजोआ एंड द यूमेटाजोआ. पैराजोआ में वो ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पर सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट, कोई टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है. सेल्स मिलकर टिश्यू फॉर्म नहीं कर रहे, एंड इफ दे आर नॉट फॉर्मिंग एनी टिश्यू तो इट मीन्स कि दैट दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, राइट. तो एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है यहाँ पर. वाइल इन यूमेटाजोआ वी नो कि यहाँ पर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे और ऑर्गन्स भी फॉर्म होंगे. अब क्योंकि यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स थे, तो इस यूमेटाजोआ की ब्रांच को भी इन्होंने दो डिविजन्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है. एक है डिवीजन रेडिएटा जिसमें डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और एक है बायलेट्रिया जिसमें डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं. और हमने ये कहा कि अरे रेडिएटा बायलेट्रिया ये तो हमने सुने सुने से वर्ड्स हैं, फिर एकदम से याद आया अच्छा ये रेडिएटा डिवीजन वो डिवीजन होगी जिसमें सारे के सारे वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जहां पर हमें रेडियल सिमेट्री मिलती है, यानी कि दोज ऑर्गेनिजम्स हु आर रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हु कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस बट बाय एनी प्लेन. इनके जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो इनकी सेंट्रल एक्सिस के अराउंड इवनली अरेंज्ड हैं, देयरफॉर दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है. जबकि यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स जिन्हें किसी एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है, और ये ऑर्गेनिजम्स डिप्लोब्लास्टिक भी होंगे यानी कि हैविंग टू जर्मिनल लेयर्स जिसमें हमने क्या कहा था एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, बट यहाँ वी विल बी हैविंग दोज ऑर्गेनिजम्स जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि इस डिवीजन में बायलेट्रिया में जो ऑर्गेनिजम्स रहते होंगे, यहाँ के रहने वाले जो रिहायशी हैं बाशिंदे हैं उनके पास ट्रिप्लोब्लास्ट यानी के वो तीनों लेयर्स प्रेजेंट होंगी, वो तीनों जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होंगी जो गैस्ट्रुलेशन में फॉर्म होती हैं, यानी कि एक्टो एंडो एंड मेसोडर्म. अब यहाँ पर हमने इस डिवीजन को भी देखा कि इस किंगडम ने आगे फर्दर तीन ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया है, ए सिलोमेटा, सूडो सिलोमेटा एंड यू सिलोमेटा. तो इससे हमें पता चला अच्छा इसमें वो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके पास सिलोम प्रेजेंट नहीं है, ए सिलोमेट्स हैं. फिर एक ग्रेड में वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सूडो सिलोम प्रेजेंट है यानी कि फॉल्स सिलोम है, और एक ग्रेड में वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास ट्रू सिलोम प्रेजेंट है. फिर ट्रू सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स यू सिलोमेट्स
भी आगे डिवाइड कर दिए गए इनटू टू सेक्शंस, इन्हें भी दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया। इस सेक्शन में कौन रहते हैं? वो जो प्रोटोस्टोमेटा हैं, और वो जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं वो कहाँ रहते हैं? सेकेंड सेक्शन। ठीक है, प्रोटोस्टोम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पर हमने कहा था द फर्स्ट ओपनिंग दैट इज द ब्लास्टोपोर ऑफ ब्लास्टुला इज गोइंग टू फॉर्म माउथ, व्हाइल इन ड्यूटेरोस्टोम्स द फर्स्ट ओपनिंग दैट इज द ब्लास्टोपोर इज गोइंग टू फॉर्म एनस। ठीक है, तो ये ड्यूटेरोस्टोम्स हुए। तो जब हमने ये चार्ट देखा पूरा, तो हमें इससे ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट डिविजन्स में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया है जो कि सिमिलर हो, एक जैसे हो। जैसे इन्होंने कहा कि हमने दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया, एक में वो जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, एक में वो रहते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी दो प्रोविंसेस बना दिए जिसमें पैराजोन सेलुलर ग्रेड वाले अलग रहते हैं और यू मेटाजोन्स यानी कि टिश्यू लेवल वाले ऑर्गन लेवल वाले अलग रहते हैं। फिर ऑर्गन लेवल वालों को भी हमने दो टेरिटरीज प्रोवाइड की हैं, दो डिविजन्स प्रोवाइड किए हैं। एक डिविजन में बायोलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और एक डिविजन में रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। फिर बायोलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स क्योंकि ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इन्हें आगे और डिवाइड कर दिया गया है इनटू थ्री ग्रेड्स, इन्हें तीन और इलाके बना दिए गए हैं, तीन डिविजन्स कर दी गई हैं इनमें, जिनमें के लिए जगह दी है और एक अलग एरिया में यूसिलोमेट्स को रहने के लिए जगह दी है। फिर इन तीनों में यूसिलोमेट्स क्योंकि थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स थे, तो इन्हें अगेन दो और एरियाज में डिवाइड करके दो और सेक्टर्स बना दिए गए। एक सेक्शन में प्रोटोस्टोम्स को रहने के लिए जगह दी गई है और एक सेक्शन में ड्यूटेरोस्टोम्स को रहने के लिए जगह दी गई है। ठीक है, अच्छा, अब जब हमने ये पूरा चार्ट देखा तो अब हमें थोड़ा सा ये अंदाजा हो गया कि अच्छा किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, किस किस एरिया में रह रहे होंगे, किस सब किंगडम में होंगे, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस सब किंगडम में होगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस डिवीजन में होगा या किस ग्रेड में होगा या किस ब्रांच में होगा या किस सेक्शन में होगा एंड ऑल। अब हमने वहीं खड़े खड़े ये डिसाइड किया अच्छा सबसे पहले किन से मिले इस किंगडम में। तो कुछ ने कहा कि हम ऐसा करते हैं जो वी आई पीज है ना उनसे मिलते हैं, जो हायर एनिमल्स है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो थोड़े जरा सॉफ्ट हार्टेड लोग थे, उन्होंने कहा नहीं यार ऐसे तो ना जो हमारे लोअर एनिमल्स होंगे ना, क्योंकि आप हमें ऐसा करना चाहिए वीआईपी से तो सभी मिलते हैं, हम पहले लोअर क्लास एनिमल्स से मिलते हैं फिर हम जरा अपर क्लास एनिमल्स की तरफ जाएंगे, मीडियोकर्स की तरफ जाएंगे, अपर क्लास की तरफ जाएंगे, फिर हम वीआईपीज से मिलेंगे। ठीक है, तो फिर डिसाइड ये हुआ कि चलो ठीक है हम पहले लोअर एनिमल्स से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और फिर हम वीआईपीज की तरफ चलेंगे। तो लोअर एनिमल्स में हमारे पास हमने कहा था दो सब किंगडम्स थी ना, एक था प्रोटोजोआ और एक थी मेटाजोआ। इन दोनों सब किंगडम्स में से जो लोअर किंगडम थी जिसमें लोअर एनिमल्स हैं वो कौन से थे? यूनिसेलुलर एनिमल्स। तो हमने कहा चलो फाइलम सॉरी किंगडम किंगडम एनिमेलिया की सब किंगडम प्रोटोजोआ में चलते हैं और प्रोटोजोआ से मिलते हैं। अब जब हम किंगडम एनिमेलिया में एंटर होने के बाद सब किंगडम प्रोटोजोआ में गए तो पता ये चला कि वहां के तो सारे के सारे घर खाली पड़े हुए, कोई है ही नहीं। अब हम वापस आए कहाँ पर? वॉचमैन के पास। वॉचमैन के पास आके हमने पूछा अरे हम तो सब किंगडम प्रोटोजोआ से प्रोटोजोआ में गए थे प्रोटोजोअंस से मिलने के लिए, लेकिन वहां तो कोई प्रोटोजोअन नजर ही नहीं आ रहा, कहाँ चले गए सब? तो उस वॉचमैन ने बताया कि किंगडम एनिमेलिया के ये सारे मेंबर्स, ये सारे एनिमल्स यहाँ पर जो रहते हैं अब इन सब ने इन एनिमल्स को धक्के मार के अपने किंगडम से निकाल के बाहर कर दिया है। तो हमने पूछा भाई क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि इन्हें इसलिए धक्के देके निकाल दिया गया है अपने किंगडम से क्योंकि ये इनसे मैच नहीं करते थे, इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो प्योरली एनिमल्स के करेक्टरिस्टिक्स नहीं थे, बल्कि इनमें हमें कुछ एनिमल लाइक कुछ
प्लांट मतलब मैक्सिमम एनिमल लाइक, लेकिन कुछ प्लांट लाइक और कुछ फंजाई लाइक कैरेक्टर्स भी दिखते थे। तो इन सब एनिमल्स ने कहा कि ये हम जैसे नहीं है, इन्हें यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दो। तो इन सब ने मिलकर इनको धक्के मार के निकाल दिया। अब ये बेचारा बेघर हो गया था, तो इन प्रोटोजोन्स को किसने पनाह दी है? इन प्रोटोजोन्स को शेल्टर प्रोवाइड किया किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के मेंबर्स ने, क्योंकि वो खुद भी कहीं और से धक्के खा के आए थे, क्योंकि उनके पास भी मिक्स्ड करेक्टर्स थे।